सब्सक्राइब करें एज ऑफ यूथ चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अनिल जी ने कहा कि ध्यान रखिएगा ये माइक पीछे खिसक रहा है, सब कुछ पीछे खिसक रहा है, थोड़े ही लोग आगे हैं जिनमें आप हजरात यहाँ देख करके ताकत बनती है कि इतने लोग मौजूद हैं और इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि हम लोगों की साथियों की हत्याएं हो रही हैं और जिनकी हत्याएं नहीं हो रही हैं वो भय के माहौल में काम कर रहे हैं। भय तारी है जो हत्या से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, भय में काम करना, क्योंकि एक बार आपने किसी की जान ले ली तो उसकी जान गई, लेकिन आपने जान नहीं ली और आपने काम नहीं करने दिया जो काम करना चाहते हैं उनको, तो आप समझिए कि वो आदमी रोज़ मरता है तेल तेल के। और इसकी कोशिशें जो हैं वो करने वाले लोग उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। अध्यक्ष जी ने इसकी बंदिश नहीं रखी है कि कितनी देर बोलना है, 10 मिनट फिर ठीक है। तो हालांकि मैंने इनको सुझाव दिया था कि लोग बहुत हैं सुनने वाले भी और बोलने वाले भी, लेकिन उनका समय तय कर दीजिए, तो मेरा ही समय तय कर दिया है इन्होंने। मैं देखिए सेंसरशिप और निगरानी की जो बात है, मोटे तौर पे अगर आप पारिभाषिक तौर पे जाएं तो हम सेंसरशिप के नाम से सिर्फ इमरजेंसी को पहचानते हैं, तो वो सेंसरशिप जिसमें कानून हाथ में लेके और उसका दुरुपयोग करके और आपकी लिखी हुई चीज़ों पर ठप्पा लगाने का काम बहुत पुरानी बात हो गई। अब इस ढंग की नादानी सरकारें नहीं करती हैं, लेकिन उससे बुरे काम करती हैं, उससे भी बुरे काम। और इसलिए ये जो रोज़ सुनने में आता है कि अघोषित आपातकाल का माहौल है, इसमें अतिरंजना नहीं है, क्योंकि आपातकाल जो हमने भोगा, आपातकाल की तकलीफें और ख़ासकर सेंसरशिप के मामले में, कि आप जो कुछ कहना चाहते थे, जो कुछ लिखना चाहते थे, जो कुछ बोलना चाहते थे, उसकी आज़ादी नहीं थी। तो जिन्होंने हमारी आज़ादी छीनी उन्होंने कानूनन जो है एक इख्तियार हासिल किया और हमको दबा दिया। ये बुरा हाल इसलिए है कि ऐसा कोई इख्तियार आपने हासिल नहीं किया है कहीं से भी, न किसी ने आपको दिया है, न आपने किसी अदालत से जुगाड़ बैठाया, और उसके बावजूद अगर ऐसा माहौल है कि हम लोग सोचते हैं, और सिर्फ इतने लोग नहीं हैं जो सोचते हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, आप मानिए कि उनकी तादाद भी काफ़ी बड़ी है, बोलने वाले ज़रूर कम होंगे लेकिन सोचने वाले कम नहीं होंगे, कि लोग जो चाहते हैं वो पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, चाहे प्रिंट की बात है, चाहे मीडिया की बात है, चाहे डिजिटल की बात है, भय जो है वो हर वक्त हावी है कि हम क्या लिखें क्या ना लिखें। और सेंसरशिप का जो मैंने आपको कहा कि सेंसरशिप परिभाषाओं के घेरे से निकल के बाहर चली आई, अब सेंसरशिप जो है आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये जो मैनेजमेंट का आजकल फंडा है, मीडिया मैनेजमेंट, ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर इन दिनों में बाकायदा आप पाते हैं कि हर विश्वविद्यालय में मीडिया मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। मैं इससे पहले कि दूसरी बात पे आऊँ, इसको मैं आपको ख्याल दिलाऊँ कि मैं एक विश्वविद्यालय की जो कार्यकारिणी है पत्रकारिता पढ़ाने वाली, उसके उसमें शरीक था, और उनको मैंने कहा कि आप यहाँ पर मीडिया मैनेजमेंट क्यों पढ़ाते हैं। मीडिया मैनेजमेंट का मतलब ये है पढ़ाना कि आप एक ही छत के नीचे चोर और सिपाही दोनों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया मैनेज करने का काम करता है उसका काम उन खबरों को न छपने देना है जो कि कायदे से छपती, आप उसकी भी शिक्षा उसको दे रहे हैं, आप पत्रकार भी पढ़ा रहे हैं। तो ये जो मीडिया मैनेजमेंट है ये इतना व्यापक और इतना व्यावसायिक जो है पूरा घराना हो गया है, बल्कि कहना चाहिए कि पूरा कर्म हो गया है, जिसमें भारत में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी लोग जानते हैं कि चुनाव के वक्त ही आज भी मीडिया मैनेजमेंट का काम करती है। और अब जब चुनाव जो जो नज़दीक आते हैं, तो मैं अभी जहाँ से चल के आ रहा हूँ जिस इमारत में, जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी नहीं है अपनी खुद की बहुत बड़ी इमारत बन जाने के बाद में भी, बताया जाता है कि उसमें बड़ी तादाद में अब लोग जो है इस बात की निगरानी करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है वगैरह वगैरह।
और उसके बाद में निशाने जो पे लोग आते हैं, जिनको हम कहते हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है या उनको निशाना बनाया जा रहा है या उनको लक्ष्य करके जो है वो उनको हताश करने के लिए किसी भी तरह से वो न लिख सकें, वो जो निगरानी है उस निगरानी से ये जो काम है ये सेंसरशिप का ही एक पहलू है, ट्रोल करना भी उसका एक हिस्सा है। और उसके बाद मीडिया मैनेजमेंट आप करते हैं जो किसी न किसी तरीके से खबरों को अपनी मर्जी से छपवाने का काम करता है, वो भी सेंसरशिप का भी हिस्सा है। फिर आप मालिकों के साथ में जो जुगाड़ बिठाते हैं वो भी सेंसरशिप का हिस्सा है। फिर आप संपादकों के साथ में, क्योंकि संपादकों के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं उसी बिरादरी से आता हूँ, लेकिन मैं अक्सर एक बात कहा करता था कि पत्रकारों में रिपोर्टरों के जो संबंध हैं वो खबरें लाने के काम आते हैं, पर संपादकों के संबंध खबरें रोकने के काम आते हैं। संपादकों को ज़्यादा उठना बैठना मिलना जुलना नहीं चाहिए। ये जो नेताओं के साथ में गलबहियाँ करना, उनके यहाँ चक्कर लगाना, उनके घरों पे बैठे रहना, उनके साथ में यात्राएं करना, बल्कि विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री के साथ में, हमेशा आप जानते हैं कि संपादक ही जाते रहे, रिपोर्टर नहीं जाते थे। उनका हक मार के जो पीएमओ कवर करता है, संपादक चला जाता था जब बाहर जाने का मौका आता था। अब मोदी जी ने ले जाना बंद कर दिया, उसके कारण दूसरे हैं कि आप उनको लेके जाएंगे पत्रकारों को तो उनको मालूम चलेगा कि और लोग भी साथ में कौन कौन जा रहे हैं, तो उनके कारण दूसरे हैं। लेकिन संपादक जो हैं उनके संपर्क प्रधानमंत्री से लेकर के निचले स्तर पर अगर प्रगाढ़ होंगे तो वो खबरें रोकने के काम आएंगे, वो खबरें लाने के काम नहीं आएंगे, क्योंकि आप खबरें लिखने का काम नहीं करते हैं, आप खबरें लिखने का काम यहाँ नहीं करते हैं, विदेश में जाके क्या करेंगे। तो ये जो सेंसरशिप के अलग अलग उपादान, अलग अलग छायाएं या अलग अलग रूप हैं, ये उनसे ज़्यादा खतरनाक हैं जो वैधानिक तौर पे एक शक्ति इख्तियार करने के बाद में आप पे लागू किए जाते थे। और इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा भयावह हैं, क्योंकि जो जानकारी लोगों तक आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। हमारा काम क्या है? हमारा काम जानकारी देना है, और सिर्फ जानकारी देना नहीं है बल्कि समझ का साझा करना है। वो समझ का साझा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं निगरानी और सेंसरशिप मिलके अगर वो करने से हमको रोकती हैं, तो आप मान के चलिए कि असल में हम उन लोगों की आज़ादी को खतरे में डाल रहे हैं जिसको हम समाज कहते हैं। पत्रकार की कोई अपनी आज़ादी नहीं होती है, पत्रकार की आज़ादी समाज की आज़ादी है, पाठक की आज़ादी है, टीवी देखने वाले की आज़ादी है, जो भी आपको पढ़ रहा है उसकी आज़ादी है, वो आपकी आज़ादी नहीं है। इसलिए अगर आपकी आज़ादी खतरे में है जब हम कहते हैं पत्रकारों की, तो असल में समाज की आज़ादी खतरे में, तो वो चीज़ जानने को उसको नहीं मिल रही है जो कि उसको जाननी चाहिए। अंत में मैं एक उदाहरण, ताज़ा उदाहरण देता हूँ जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। कहते हैं कि आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला रफाल का है, क्योंकि बोफोर्स भी बहुत बड़ा घोटाला माना गया, पर उसमें तो एक एंट्री पाई गई थी डायरी में। और यहाँ पर जो है किसी ने, छोटे मोटे आदमी ने नहीं, एक देश के पूर्व राष्ट्रपति ने जो उस सौदे को करने में खुद ही शामिल था, जब उस पर गाज गिरी कि आपकी संगिनी जो हैं उनको अंबानी ने सिनेमा के साथ जो करार, सिनेमा का जो करार किया, तो बात थोड़ी सी उलझने लगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे उसका कुछ खास पता नहीं था, और अंबानी को तो जो है भारत सरकार लेके आई थी, इस तरह से बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कह दी तो कह दी, मैं ये मानता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ चीज़ें पलट जाती हैं आसानी से, मुझे नहीं लगता कि ओलोन जो हैं वो अपनी बात से मुकरने वाले हैं। लेकिन आज के अखबारों में अगर आप देखें, आज के अखबारों में एक एक नाम ले लेके आप गिन सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में सेकंड लीड बनी हुई है। इस देश के हज़ारों अखबारों में अगर आप हिसाब लगाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि ज़्यादातर में आपको ये छपा हुआ मिलेगा कि फ्रांस की सरकार और दस्सू रफाल दोनों कंपनियों ने ओलोन की बात का खंडन कर दिया है। इससे सफ़ेद झूठ बात हो नहीं सकती, क्योंकि AFP की खबर भी आपको नेट पे मिल जाएगी, जो असली खबर थी जिसे खबर बनाई गई है। उस AFP की खबर में ये लिखा हुआ था कि रिलायंस और दस्सू रफाल, ये ओलोन को पूछा गया कि ये लोग मिलके काम करें, इसके बारे में क्या भारत सरकार ने दबाव डाला था ये दो कंपनियां मिलके काम करें, तो उन्होंने कहा था कि ये तो कंपनी जवाब देगी। और हमारे यहाँ छपाए अखबारों में कि ओलोन का यू टर्न, ओलोन का खंडन,
फ्रांस सरकार का खंडन जो कि गोलमाल से एक जवाब है कि भाई ये तो कंपनियां ही तय करती हैं, तो अंततः तो कंपनियां ही तय करती हैं। लेकिन इस मामले में हर कोई जानता है कि पहले भारत सरकार जो है वो फ्रांस सरकार के साथ डील नहीं कर रही थी, पहले व्यापारिक डील हो रही थी, लेकिन इस सरकार ने कहा कि हम सीधी सरकार के साथ बात करेंगे, काफ़ी काम इससे आसान हो जाता है। लेकिन जब आपके 126 लड़ाकू विमानों की जगह आपने 36 की बात की तो उनके हाथ पांव फूल गए। और खुद ओलोंग ने कहा है कि हमारी स्थिति बड़ी पतली हो गई और हमने कहा कि अब 36 ही खरीद रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ी राहत ये हुई कि जब इस सरकार ने कहा कि वो जो विमान हैं वो विमान अब फ्रांस ही बनाएगा, पहले भारत में बनाने वाला था, लेकिन साथ में आप यहाँ पर जो पार्टनर रखेंगे वो अंबानी होगा, ये ओलोंग का कहना है। और जो कि सरकार पहले कह रही थी कि हमने ऐसा नहीं कहा, और आज हमको पूरा मीडिया ये बता रहा है कि इसका खंडन हो गया है कि ओलोंग ने कहा था, ये सेंसरशिप नहीं है तो क्या है? और ये कैसे कहाँ से आती है, इसकी तरफ मैंने आपको थोड़ा सा थोड़ी भूमिका पहले मैंने आपके सामने बांधी है कि किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट होती हैं, किस तरीके से उनको मैनेज किया जाता है, लेकिन किस हद तक सफल हो सकती हैं, ये आज की एक खबर इस बात का उदाहरण देने के लिए काफ़ी है कि एक सफ़ेद झूठ जो था नहीं, कोई और बात थी, लेकिन आज ये बताया गया है कि जो मुद्दा उठा था फ्रांस में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति के मुख से, वो ख़त्म हो गया है क्योंकि उसका खंडन हो गया है। ये जो तरीका है मीडिया को मैनेज करने का, ये सेंसरशिप का नया तरीका है। इसके बारे में 10 मिनट इसके साथ मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए, फिर अगली बार मौका मिलेगा तो फिर 10 मिनट बात करेंगे। धन्यवाद।